हरिद्वार के हालात जो हाईवे के हैं बहुत खराब चल रहे हैं। इस समय जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से काम चलना चाहिए उस तरीके से काम नहीं चल पा रहा है। और यहाँ की सरकार भी, जो अभी जैसे कहा जाता है कि हमारी सरकार ये काम करेगी, नई सरकार भी आई है, केंद्र में भी यही सरकार है और यहाँ प्रदेश में भी यही सरकार है, तो अब तो काम और बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, लेकिन बट उस तरीके से भी नहीं चल पा रहा है। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे हैं जगह जगह पे, और जिस तरीके से रोड की अगर देखा जाए, आप 20 से 25 की स्पीड में भी नहीं चल सकते हैं। इस तरीके के रोड की हालात है और बहुत ही खस्ता हालात है। तो मेरी तो यही कहना है सरकार से भी और शासन प्रशासन सबसे कि रोड का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए। NH में जो हमने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, 20-25 के आसपास ब्लैक स्पॉट्स हैं, जिसमें कि किसी न किसी वजह से ओवर स्पीडिंग से या रोड वहाँ पे नैरो हो या फिर कोई ब्लाइंड कर्व हो, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसमें ये ब्लाइंड स्पॉट्स हमने चिन्हित कर दिए और आने वाले में दिनों में इसको मैं, पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट और इसके अलावा हमारे जो रोड का डिपार्टमेंट है, इस केस में NHAI, ये जॉइंटली इसको इंस्पेक्ट करेंगे और मौके पे जो अभी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि हाईवे बनने में तो समय लग सकता है, लेकिन जो एक्सीडेंट जोन्स हैं उस पर हम खुद सुनिश्चित करेंगे ये काम पहले हो जाए।